तो मेरे भाइयों, क्या हालचाल। आजकल तो फ्री फायर पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप करने में लगा हुआ है, एंड उसे देख के कुछ लोगों का कहना है कि विराट कोहली के साथ भी करनी चाहिए। देखो विराट भैया एक इंस्टा पोस्ट का ही 9 करोड़ चार्ज करते हैं, बताना जरा पार्टनरशिप में कितनों के घर जाएंगे। जोक्स अपार्ट गाइस, गरीना ने बहुत पैसे छापे इंडिया से, 100-200 करोड़ खर्च कर भी देंगे तो क्या ही जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट है ओजी के बारे में। तो पहाड़ी जय और मोंग का ट्रायल चल रहा था और हमें पता भी नहीं चला। ए लोग टूर्नामेंट हाइलाइट कैसे डाल रहे हैं? ट्रेल लो यार, फिर से ट्रायल लो। वासी भाई का ट्रायल, वासी भाई भाई, वासी भाई का कौन ट्रायल ले सकता है ब्रो? वासी भाई इज लेजेंड। वासी भाई हमारा ट्रायल ले रहे थे ब्रो। अब बात करते हैं अंडरडॉग्स के बारे में। तो हाँ, ये वही प्लेयर्स हैं जो बीच में फंसे हुए हैं। ना T1 टीम का टैग मिला, ना ही छोड़ सकते गेम क्योंकि प्रैक्टिस काफी करी है। इस इकोसिस्टम में तुम्हारे सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम कुछ ना कुछ अर्न करते रहो, और वो कैसे होगा उसकी चिंता अपने भाई पे छोड़ दो, क्योंकि आज मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ एक बेस्ट चीज जिसका नाम है TOH eSports की डेली स्क्रीम्स। ना ना ना, गलत सोच रहे हो तुम, ये पेड स्क्रीम्स नहीं है, ये है फ्री स्क्रीम्स विद प्राइस पूल। ना तो अब कहीं पेमेंट करना है, ना ही अपनी प्रैक्टिस की चिंता करनी है, बिकॉज पर लो भी 120 का प्राइस है, और वो भी हफ्ते के 7 दिन। और इन स्क्रीम्स में इंडिया के साथ साथ मेरे नेपाल के भाई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बस उनके लिए स्क्रीम्स 5 दिन ओपन है। आई नो ये मस्त प्लान है, और इस प्लान का हिस्सा बनने के लिए बस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना है, जहां मिलेगी आपके सपनों को उड़ान। तो आओ फिर TOH eSports के डिस्कॉर्ड सर्वर पे साथ में उड़ान भरते हैं। आई एम वेटिंग। अगली अपडेट है SA12 के बारे में। तो मुझे लगा था SA12 अच्छे प्लेयर्स ही हायर करती है, लेकिन अब वो लोग क्यूट प्लेयर भी हायर करने लगे हैं। आओ चैट तुम लोग को एक चीज दिखाएं, SA12 का नया मेहमान, मेरे से रहा नहीं जा रहा था टू बी ऑनेस्ट। तो हम एक नन्ना मेहमान ले आए हैं, तब से मैं थोड़ा सा आई एम बेटर। ले आ भाई। हाँ भाई, लाइट और जला, लाइट और नहीं है। आ भाई मेरे बाबू शेर, से हाय, से हेलो ऑप्शन चाहिए तो हमेशा की तरह कम्युनिटी टैब पे मिल जाएंगे, लेकिन आप लोग बिना ऑप्शन के भी बता सकते हो, और बताने जाओगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर आना। अगली अपडेट है यस गेमिंग कप से। तो प्लेऑफ्स में टॉप पर ही द माफियाज, सेकंड पर ही वासू ईस्पोर्ट्स, एंड थर्ड पोजीशन पर ही ओरा गेमिंग। अगली अपडेट है शाइनिंग स्टार से। तो उसको भी जीत लिया हैक्स ईस्पोर्ट्स ने, सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। अभी ये हाल है कि मैं बिना देखे भी बोल दूं हैक्स जीत गई, तो 99% केसेस में वो गलत नहीं होगा। सेकंड पर ही ब्लाइंड, एंड थर्ड पोजीशन पर ही द माफियाज। अब हम भरते अगले सेक्शन पे जिसका नाम है नॉलेज चेक। कल के क्वेश्चन का आंसर था रोनाल्डो, अब ये पूछा है तो अर्जेंटीना की टीम का कैप्टन कौन है, ये पूछना भी बनता ही है, तो बता दो। वैसे यार मुझे फुटबॉल की उतनी नॉलेज नहीं है, तो यार थोड़ा इधर उधर हो जाए तो माफ करना। नेक्स्ट अपडेट है फ्री फायर के बारे में। तो अरिजीत भाई ने ये स्क्रीनशॉट भेजा गेम का। पहली बात तो तुम कंफर्म करोगे कि ये सही है या एडिट करा हुआ है, क्योंकि मैं गेम खेल नहीं रहा हूँ तो मुझे पता नहीं है। सेकंड, ये लोग इन्हें क्वालिफायर बोल रहे हैं ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए, बट यार FFIC और FFPL थोड़ी ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है, कोई इन गेम टूर्नामेंट रख देंगे छोटा मोटा, और उसमें प्राइस पूल होगा 2000 डायमंड्स, और हो गया ई स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट। मस्त प्लान है। मे बी ये टैक्टिक यूज कर सकते हैं एक्टिव यूजर्स को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन जब तक गेम प्ले स्टोर पे नहीं आ जाता या गवर्नमेंट और गरीना ऑफिशियली नहीं बोलते कि गेम आ रहा है, तब तक ऐसी चीज पे विश्वास अपने रिस्क पे ही करना। वैसे भी आजकल गरीना को छोड़ के और सबको पता ही है कि गेम कब आ रहा है, जब प्रॉपर ऑफिशियल टूर्नामेंट्स होते हैं तो तुम्हें पता ही होगा कहाँ कहाँ अनाउंस होता है, वेबसाइट पे सारी डिटेल्स होती हैं, और यार इसके नाम में अरीना है, लेकिन ये मेरा टूर्नामेंट नहीं है। नेक्स्ट अपडेट इंद्र भाई की तरफ से। तो आजकल कुछ लोग इंद्र भाई के साथ गेम खेल रहे हैं, और उस गेम का नाम है इनेबल डिसेबल, और इंद्र भाई ने उनसे बोला है कि कुछ अच्छा काम करो, लेकिन यार ये इशू काफी लोग फेस कर रहे हैं, तो मैं लोन मस्त से गुजारिश करता हूँ कि इंस्टा खरीद के इसे भी बर्बाद कर दो।
हम बढ़ते अगले सेक्शन पे जिसका नाम है टॉप प्लेयर ऑफ द डे। आज का पहला टॉप प्लेयर लीलाउच का, जिन्होंने टीसी के अगेंस्ट एक शानदार 1v4 क्लच किया है। जीत नहीं भाई, बट कोई बात नहीं गाइस, फीफा का बुखार और साथ में फ्री फायर का भी अलग सेल गाइस, अबे डबल डोज, तो डबल डोज गाइस अबे यहां पे व्यूअर्स को मिला भाई, कम तक के होता है इससे भाई की, या तो डिफॉल्ट का देखते हैं या तो फिर अपने यहां पे फेवरेट क्रिएटर्स को फेवरेट टीम को सबका परफॉर्म करते हैं। मुझे लग रहा है कि नजर है यहां पे लीडिंग में भी होगी एंड नजर है यहां पे पोज भी लेगी, तो मतलब कहीं पे लिख गाइस। अगला टॉप प्लेयर लिखेगा जिन्होंने WOB के अगेंस्ट 1v3 किया है नेट से। चुका है लेजेंड आखिरी उम्मीद बचे हुए दोस्तों, यहाँ पे टीम TSDM की तरफ से बैकपोर्ट जाते हुए नजर आएंगे, बैकअप लेंगे यहाँ से एंड कहीं ना कहीं अपने खाते में अभी के लिए तो किल सिक्योर करना बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि अभी के लिए जिम्मेदारी आ चुकी है अपने बाकी प्लेयर्स का रिवाइव करने की एंड जल्द यहाँ पे जो है रिवाइव तो किया जाएगा एंड ट्रोल एक और खिलाड़ी को स्पॉट आउट करेंगे। शायद सामने की तरफ यहाँ पे ओपन एक्सिस के खिलाड़ी रह सकते हैं मे भी, बट डिपेंड करता है कि कौन से खिलाड़ी यहाँ पे सामने की तरफ नजर आएंगे एंड आई एम प्रीटी श्योर ओपन एक्स के ही प्लेयर रहेंगे शायद जी। बिल्कुल देखिए यहाँ पे रोहित को नॉकआउट किया जा चुका है, मदन यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं, ओके मदन एलिमिनेट हो चुके हैं यहाँ पे एंड देखते देखते लुईस जॉर्ड 3 किल्स अपने खाते में सिक्योर करते हुए नजर आएंगे, लेकिन दूसरे पे टीम माफिया उसके लेट एंड लिखी यहाँ पे पूरी तरीके से नॉकआउट होते हुए नजर आएंगे। बेसिकली डिलीट की तो रिवाइवल मिल चुका है, लेकिन माफिया वाले के सामने एक और खिलाड़ी यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे माफिया वाला नॉकआउट उसके थोड़ी इसकी सब बचे हुए स्नाइपर शॉट करने की कोशिश, लेकिन मिस हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे थोड़ा सा बैकफुट आएंगे, लेकिन अभी के लिए टीम से उनका पीछा बिल्कुल नहीं होने वाले, शॉट प्रोवाइड करेंगे लेकिन नॉकआउट करने में नाकामयाबी और यहाँ पे वर्ल्ड बैटल गेम से उनको नॉकआउट करते हुए देखने जाके डिलीट यहाँ पे बिल्कुल नजदीकी इलाकों में जाते हुए नजर आएंगे, पूरा पूरा नजदीक जा चुके हैं नजर आएंगे, शॉट समय प्रोवाइड करने की डाउन करने की कोशिश, लेकिन नाकाम में भी हाथ मिलती लेकिन दूसरे खिलाड़ी उनके पास मौजूद है। इसी के साथ ही साथ डिलेट को भी नॉकआउट कर लिया जाएगा, आखिरी खिलाड़ी इस मैच के अंदर बने हुए लिखी क्या पूरी तरीके से वाइप आउट करेंगे। आई थिंक यहाँ पे नॉकआउट कर दिया गया जितने भी खिलाड़ी इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मौजूद है। लीजिए यहाँ पे पोजीजे को रिवाइवल किया जा रहा है एंड अपने आप को जो है ओह माय गॉड शॉन्टी के खाते में पोजीजे के खेल जा चुका है एंड रिवाइवल नहीं मिल पाया। बाय द वे देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही खिलाड़ी मौजूद लिखी एंड डिलीट अपने आप को सुपर मेडिकल से हील अप कर चुके थे, आएंगे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे एंड इसी के साथ अंश अभय को पूरी तरीके से वाइप आउट करेंगे। कुणाल यहाँ पे पवन को वाइप आउट करते हुए बिस्टू के हाथ में एक और क्लियर की खेल जाने वाले अंश यहाँ पे अग्नोत्रा को पूरी तरीके से वाइप आउट करेंगे। टीम आप इसके डिलीट नॉकआउट हो चुके हैं एंड एलिमिनेशन के कतार में जाते हुए इग्नाइट के खाते में खेल जा चुका है लिखी के सामने एक और खिलाड़ी जी। बिल्कुल इग्नाइट के ऊपर बिल्कुल सटीक ग्रेनेड आएगा, पूरी तरीके से एलिमिनेट कर चुके और हमारा लास्ट पार्ट है क्रेडिट्स का। तो आज की वीडियो बनाने में हेल्प किया मेरे कुछ भाइयों ने जिनका नाम है जुवेल, भाविक, अरिजीत और प्रिंस। थैंक यू सो मच गाइस। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों आज की वीडियो के लिए इतना ही, चलो हम मिलेंगे एक और शानदार वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।